अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का मैं आपको सब लोगों के साथ एक शॉर्ट व्लॉग शेयर कर रहा हूँ। अभी शाम होगी, यहाँ बारिश भी हो रही है, अंधेरा भी बहुत है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ इंजॉय करें। तो बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है और ठंड भी बढ़ गया, एक बार फिर ठंड बढ़ गया। रात शाम हो चुका है, शाम की नमाज हो चुकी है, अभी काफ़ी अंधेरा लग चुका है। बस अंधेरा इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि बारिश के साथ फिर अंधेरा ज़्यादा हो जाता है ना। तो मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक शॉट हमारे साथ साथ इंजॉय करें और शॉप से आप लोगों को भी दिखा दी साथ साथ में। तो इसी वजह से मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो स्टार्ट किया। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत बारिश हो रही है और किस तरफ सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा है, खामोश है बिल्कुल। सब लोग अपने घरों में जा चुके हैं, बस एक दुका लोग अभी रह चुके हैं, ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि बारिश है और दूसरी बात सर्दी भी है। तो इसी वजह से लोग हैं ना अपने घरों में रह गए, तो लोग अभी ज़्यादा नहीं है इधर। कुछ प्यार से मसूद लगा इस बारिश में। एक गरीब बच्चा है, उसने वो रेड़ी लगाए हैं, वो जो सोयाबीन है वो बेच रहे हैं ना। तो मैंने उसको बोले 1 किलो चलो दे दो हमको भी, तो मैं इससे ख़रीद लूँ। ओके, मैं इसके पैसे थे तो बाद में बात करता हूँ। हाँ, उसने लेके आया, ये देख सकते हैं आप लोग, उसने मेरा बड़ा बड़े पसू दी 100 रुपये किलो पकी थी भी मैंने खरीदे उससे। चलो हम एक भी ट्राई करते हैं कैसा है। चलो वो तो हो गया, ऐसे हमने तो वो सवा बेरे। आप लोग क्या बोलते इसको अपने जुबान में? आप लोग इसको क्या बोलते हैं जो हम लोग सवा बेरे बोलते हैं? मेरे ख्याल आप लोग भी सवा बेरे इसको बोलते होंगे। मैंने इसको ख़रीदा, इसको बेचारा बच्चा था अभी इस बारिश में और इस अंधेरे में शाम के बाद भी खड़ा है था, हलाल मजदूरी कर रहा था और हलाल मजदूरी के लिए वो खड़े थे। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 किलो इससे ले ले। तो इसी गरज से हमने इसको 1 किलो, तो 1 किलो था उसने 100 रुपये बताए थे, मैंने चलो बता दिया चलो दे दो 1 किलो दे दो, क्यों नहीं उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। वैसे वो बेचारा खड़ा था इस अंधेरे में थे और इस बारिश में, तो मैंने इससे ख़रीद लिया। ये हमारे गांव के है जो सबसे बड़ा मकबरा है, ये हमारा सबसे है, हमारा सब लोगों का आखिरी आरामदेह जगह है। हम सब एक ना एक दिन इस यहाँ जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, हमारे ईमान है, हमारे यकीन है। तो हमारा वो वाला दिन अच्छा करे अल्लाह, इस उम्मीद से है। अच्छा, तो और बातें भी होती है, होते रहेंगे आप लोगों के साथ साथ। अभी हम जा रहे हैं, वो रास्ते में काफ़ी कटे हैं और काफ़ी रास्ता भी ख़राब हुए हैं। क्या करें यार, हम भी अकेले थे, गाना लगा दिया था लेकिन हमने बंद किया। उन्होंने बोला गाने से क्या फ़ायदा हो रहा है, ये बिरयानी क्या हो शॉप भी खोला है ना, हमने बोला तो इससे क्या फ़ायदा यार, गाने सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं। ताकि आप लोग अपने चैनल के को एक शॉर्ट्स एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो क्यों ना अच्छा हो गई। तो इसी गरज से हमने अपने मोबाइल निकाला और वीडियो फटाफट स्टार्ट किया। हाँ, वैसे तो हमारा घर अभी काफ़ी भी दूर है, तकरीबन 15-20 मिनट फासला अभी भी है, लेकिन हम इतना वीडियो तो नहीं कर सकते हैं, जल्दी क्लोज़ करेंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि
अंधेरा है और सामने जब लट आती रहते है ना, तो फिर शीशे पे जो पानी पड़ा है ना, तो इसी वजह से वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद वो फिर वीडियो सही अच्छी तरह नहीं आता, तो इसी वजह से वीडियो तो इतना अच्छा नहीं आएगा। फिर भी आप लोग कोशिश करें, वॉच करें, हमारा हौसला अफजाई करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना भी हो सकता है हो सके वो करें, और आप सब लोगों की मेहरबानी होगी हम पर। ओके, तो होते जा रहे गो, मैं ऐसा ऐसा जा रहा हूँ ना, क्योंकि बारिश भी है और रास्ता भी थोड़े तंग है, इतने खुले रास्ते नहीं है, लेकिन फिर भी गाँव है ना, और दूसरी बात रास्ते थोड़े ख़राब है, और जब सामने से गाड़ी आते हैं ना तो रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है ना, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसा जा रहा हूँ ताकि हम लोग के लिए वीडियो भी बना सकूँ ना। जब तेज़ जाएंगे तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे ना, वो मुश्किल भी है ना। चलो खैर, जो भी है अपना, सब लोग अपना अपना राय दीजिए। ओके, मैंने अपनी लाइट फुल किया है ना, तो इसी वजह से मेरा हाथ बंद है, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में गाड़ी चला रहा हूँ, तो लोग भी लाइट फुल करते हैं ना, वो गुस्सा हो जाते हैं, आप लोग आपने क्यों लाइट फुल किया है। तो इसी वजह से एक गाड़ी आया तो उसने भी लाइट फुल किया, मारा फुल मारा, ताकि वो भी गुस्सा हो गया ना, ये पालूदा भेज रहे हैं लोग, आलूदा नहीं, सॉरी वो क्या सूप, सूप सूप सर्दी में पालूदा कौन खाएगा यार, नहीं फिर भी लोग खाते हैं ना, ये सूप बेच रहे, सूप तो अच्छा होता है ना, लेकिन ये लोग सही नहीं बनाते ना, क्योंकि घर में जो लोग अपने लिए बनाते तो वो एक होता, उसका मज़ा अलग होता है और इसका मज़ा अलग होता है, फिर भी लोग शौक से इसे खरीदते हैं, शौक से फरोख करते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय होते हैं, अपनी अपनी सब लोगों की अपनी अपनी राय होते हैं, अपनी अपनी शौक़ होते हैं, अपने अनुमान होते हैं, और आप हर आदमी की मिजाज अलग अलग होते हैं ना, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है, ये तो ये बारिश हो रही है, क्यों ना उसको उठा ले, लेकिन यार औरत है फिर बुरा मान जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं आपने क्यों हमको ड्रॉप दिया, ये पठान है पठान, तो बहुत तौबा 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 करो बस, अगर सच्चे नच्चे भी किसी को लिप दे देंगे तो वो बोलते हैं आपने कुछ इसमें कुछ ना कुछ आपका होगा हाथ, अगर फिर बुरे लगते किसी को लिप देंगे तो फिर वो अच्छा मानते हैं, अजीब लोग होते हैं ऐसे यार। बारिश अभी ज़्यादा हो गई यार, लोग जा रहे हैं यार, लोग जा रहे हैं, इस छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, सका भाई जब मैं थोड़ा तेज़ हो तो फिर वीडियो सही नहीं आता, लेट मसला है, लेट बहुत मसला कर रहे यार, लेटिंग का बहुत मसला है यार, अल्लाह खैर। अच्छा, क्या बात हो रही थी आप लोगों के साथ, यार ये मोबाइल और आप लोगों के जो आप लोग भी हमारे साथ काफ़ी साथ दिया आप लोगों ने, मुझे मेरे साथ काफ़ी बातें हुई आप लोगों के साथ, लेकिन हमारा रास्ता अभी भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ, और रास्ता वापस अभी भी काफ़ी पड़ा है, तो मैं अकेले जाऊंगा आप लोगों के बगैर, जितना साथ दिया इसके लिए थैंक यू सो मच, और खुश रहिए,
सलामत रहिए। ओके अल्लाह पाक, वो सामने भी गाड़ी रहे तो इसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ क्योंकि फिर आगे रास्ता तंग है, तो फिर दो गाड़ी पास नहीं होगा। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।